आज हमारे साथ 95 साल के बुजुर्ग मिस्टर भोलाराम जी हैं। अनफॉर्चुनेटली भोलाराम जी 2 हफ्ते पहले गिरने के कारण अपनी कूल्हे की हड्डी तुड़वा के हमारे पास आए थे, मगर ऑपरेशन के बाद जब हमने कूल्हे की हड्डी को फिक्स कर दिया है, भोलाराम जी ने काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। आज ये अपने टाँके कटवाने के लिए आए हैं, इनके टाँके अच्छी तरह कट गए हैं जब हम ठीक से भर गया। मैं चाहता हूँ कि भोलाराम जी के एक्सपीरियंस से इस उम्र के लोगों को एक प्रेरणा मिले कि ऐसा नहीं है कि हड्डी टूटने का मतलब अंत है, इन चीज़ों का इलाज संभव है एंड वी कैन हेल्प यू कि आप जैसे पहले ज़िंदगी जीते थे वैसे ही जीते रहेंगे। बाकी मैं भोलाराम जी पे छोड़ता हूँ कि वो बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम है भोलाराम भारद्वाज, तहसील जिला पलवल, हरियाणा। मेरे कूल्हे की हड्डी टूटी बताई जी में गिर गया था। मालूम किया तो लोगों से पूछा कि तुम अस्पताल जाओ, कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गया, इसलिए मुझे आना पड़ा। पहले मैं पलवल में दाखिल हुआ, पलवल में पैर, लेकिन वहाँ पर केवल 2 दिन रहा। उसके बाद मुझे लोगों ने सलाह दी कि आप इस चक्कर में मत करो, अस्पताल में जाओ, दिल्ली में अस्पताल है कोई दीदी का, हाँ आपको आराम मिले। तब मैं वहाँ से 2 दिन के बाद यहाँ आ गया, तब से मेरा इलाज यही हुआ। अगर वो वक्त पर ठीक इलाज मिल जाए तो इलाज हो सकता है। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं इस उम्र में भी चल फिर सकता हूँ, ताकि जो मेरे काम है रोजाना के घूमने फिरने खाना पीना बिल्कुल ठीक होगा। ऑपरेशन के हिसाब से थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जितनी मुझे आशा थी उसके अनुकूल मुझे आराम दिखाई दे रहा।